16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर जहानाबाद जिला प्रशासन द्वारा जहानाबाद के पत्रकारों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें रोल ऑफ मीडिया इन कोविड 19 के टॉपिक पर कई पत्रकारों ने अपनी बातें रखी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा पत्रकारों को सम्मान दिया गया। लेकिन
आवश्यक था, चूंकि अति आवश्यक सेवा के जो भी लोग थे वो बाहर निकले और लोगों ने बाहर निकल के काम किया, तो निश्चित रूप से आप लोग इसके लिए काबिले तारीफ हैं। आप लोग का काम सराहनीय रहा, उत्कृष्ट रहा, और जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों ने प्रत्येक कार्यों में प्रशासन को सहयोग दिया है, यहाँ की जनता को अच्छी बातें आप लोगों ने बताई है, पुनः इस कोविड में भी आप लोगों ने अच्छा काम किया, और पूरे वर्ष, मैं तो पूरे वर्ष की बात कहूँगा कि पूरे वर्ष में प्रेस ने अच्छा काम किया है, वो मानव श्रृंखला हो या कोविड-19 हो या पुनः अन्य जो कोई बातें आती हैं, कभी दुर्घटना होती है या अन्य कोई चीज़ें होती हैं, उस बारे में आपके माध्यम से जो हम लोग जनता को अपनी बातों को रखते हैं, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी बखूबी से रखा है, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी प्रेस और प्रशासन और पुलिस सभी मिलके यहाँ पे जहानाबाद को नई ऊंचाइयों पे ले जाने में कामयाब होंगे। और जहानाबाद में निगेटिव कहने के लिए बहुत कुछ है, पूर्व के वर्षों में मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि पूर्व के वर्षों में यहाँ के लिए निगेटिव कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन नए वर्षों में हमेशा पॉजिटिव सोच के जहानाबाद के पॉजिटिव चीज़ों को ऊपर लाइए कि जहानाबाद में क्या क्या अच्छा है और क्या क्या अच्छा हो रहा है, ताकि एक अच्छा माहौल बने और यहाँ पे और जहानाबाद और तेजी से विकसित हो, और आप लोग भी इसमें सहयोग करें और आप लोग भी इसमें आगे बढ़े। जैसा कि अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, दिल्ली से चले जाएंगे, हम सब चल रह जाएंगे, आप लोग जहानाबाद आप लोगों का होगा, ठीक है। तो यदि जहानाबाद को निगेटिव रूप में आप लोग हर जगह विश्व के मैप पे या बिहार में या और कहीं पे प्रदर्शित करेंगे, तो जहानाबाद का जो विकास होना है या जितना तेजी से सब कुछ होना है वो नहीं हो पाएगा, और आप लोग आए इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।